कड़वा है लेकिन सच है। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता है, एक भी झलक जाए तो मन हल्का हो जाता है। दोस्तों नारी के भटकने से परिवार भटक जाता है। दोस्तों बेटियों की किस्मत का भी अजीब अफसाना है, शादी के बाद अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना पड़ता है। पिता के घर का कोना कोना सजाती है बेटी, जब उसके हिस्से में घर का एक भी कोना नहीं आते हैं। दोस्तों बाहर से चमकती हैं, अंदर से बहुत ही नाजुक होती हैं, ये लड़कियां भी और ये चूड़ियां भी दोनों एक जैसी होती हैं। अपने घर की बहू की तुलना अपने ही खानदान की किसी और बहू से ना करना, अपने घर कारोबार करने के लिए सास के द्वारा उठाया गया पहला कदम होता है। नसीब बनकर कोई ज़िंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंसू में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा ही है, फिर न जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। बहू का जुबान चलना तो सबको दिखता है, लेकिन घर के लोग बहू से किस लहजे से बात कर रहे हैं ये किसी को नहीं दिखता है। दोस्तों कड़वा है मगर सच है, बदलता हुआ व्यवहार सबको चुभता है, पर बदलने की वजह कोई नहीं पूछता है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना सबसे बड़ा धोखा है, उसे भगवान ही माफ नहीं करता है। दोस्तों दुनिया की सबसे तीन झूठ, नंबर एक, इंसान मन से सुंदर होना चाहिए, चेहरे से क्या, लेकिन देखता तो लोग चेहरे ही हैं। नंबर दो, दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे का क्या, लेकिन देखते तो लोग पैसे ही हैं। नंबर तीन, सत्य की हमेशा जीत होती है, लेकिन पास पैसा हो तो जीत होती है दोस्त उसकी। तुम औरत की कुर्बानी की क्या करते हो, वो तो अपनी माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है, क्या तुम छोड़ सकते हो घर, अपने तौर तरीके, अपने जितने भी चीज़ होती हो, क्या छोड़ सकते हो, हरगिज नहीं। तक इसी और तकलीफ केवल एक औरत ही समझ सकती है। दोस्तों कोई महिला यदि आपकी मित्र है तो उसके मान सम्मान और सुरक्षा का दायित्व भी आपका है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नज़दीकियों की कदर नहीं की है। दोस्तों ज़रूरत और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है, जो जिंदगी जो सुविधा में है वह दुविधा में भी है। लोग पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दोस्तों ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिस्ती बहुत ही बारीकी से है। कर्म कहता है आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया होगा। दोस्तों रूप और रुपये पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी भी पूछ कर नहीं आती है। जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू घट जाती है, फिर चाहे कोई वस्तु हो या इंसान। जिंदगी में कुछ ऐसा सीखो, मगर सबसे पहले इंसान को पहचानना सीखो, क्योंकि जो लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं। मतलबी लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दूँ। लोग दिल जिंदगी सब कुछ मांग लेते हैं, प्यार में ना जाने क्यों माफ़ी नहीं मांग देते हैं। जो लोग अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपनी प्रेमिका या पत्नी से भी प्रेम नहीं कर सकता, उस पर भरोसा मत रखिए। दोस्तों इंसान बेहतर बनिए, आशिक और नेता तो जमाना बना देता है। दोस्तों जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे खामोशी दे दो। दोस्तों विवाह के बाद पुरुष को रहन सहन का कुछ ढंग भी बदलना पड़ता है, पर महिला को तो पूरी आत्मा तक बदलनी पड़ती है। भले ही जमाने को लाख बुराइयां नजर आए और हर बात गलत नजर आए, लेकिन पति को अपनी पत्नी की मन की सच्चाई दिखनी चाहिए। दोस्तों अदाकार वो है जो पूरी ईमानदारी के साथ
झूठ बोल सकता है, और तमाशाई वो है जिसने पूरी यकीन के साथ बेवकूफ बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखिए दोस्त, एक दिन से कोई सिकंदर नहीं बनता। आसान है बोलना, जो हो गया सो हो गया, यकीन मानो जिस पर बीतती है वही जानता है कि क्या उस पर गुजरी है। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले हाथों में हमेशा चाकू होता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और सब सिद्धि का कोई बाण नहीं। जिंदगी किस्ती में सोच समझ कर चलिए, क्योंकि जब चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। अपने आप को ऐसे किसी जगह पर फिट होने चाहिए कि मजबूत ऐसी स्थिति में रखिए जो आपको हौसला दे। प्रेम का नशा तब तक चढ़ा रहता है जब तक असलियत का पता ना लग जाए। अगर असलियत के बाद भी नशा ना उतरे तो समझ जाए वो है सच्चा प्रेम। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। दोस्तों, जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, मगर लोग आपको हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना कि आप उत्तीर्ण हो गए। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए। हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। नियत साफ और मकसद सही हो, यकीन मानिए ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कौन बोले बोलना चाहिए और किस प्रकार से बोलना चाहिए। वह तय कर देना देता है कि आपकी क्या क्लास है। दूसरों की सफलता से कभी मत जलो, खुद पर और खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। जितना भी सोचा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। दोस्तों, एक विश्वास से भरी प्रार्थना अंधकार के समस्त बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। जीवन की 6 नीति: प्रार्थना करने से पहले विश्वास करो, बोलने से पहले सुनो, खर्च करने से पहले कमाओ, और लिखने से पहले सोचो, हार मानने से पहले कोशिश करो, मरने से पहले जिंदगी जियो। जब समस्या पर ध्यान लगाएंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। जीवन में बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनता से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कावा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मथुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर वो खुद सज्जन नहीं बन सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बददुआओं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटाकर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और जीवन में कुछ बेहतरीन जानकारी छोड़ देते हैं। आपसे सादर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद।